हे गाइस, वेलकम बैक वन सेकेंड। नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस टाइम जा रहा हूँ सुबह सुबह सिद्धबली मंदिर। टाइम हो रहा है इस टाइम 6:30 बजे का और मैं निकल रहा हूँ। मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, अपनी राजदूत के साथ हमेशा की तरह। भाई आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी का लास्ट दिन, मतलब आज विसर्जन है गणेश जी का, और उसके साथ विश्वकर्मा डे, मतलब विश्वकर्मा का दिन भी आज, तो विश्वकर्मा जयंती सॉरी, तो आज उसके चक्कर में, मतलब आज मन जो की होनी है तो उसके लिए हमने तैयारी सारी करी चुकी है, आपने कल देख लिया होगा। तो फिलहाल मैं सीधे सिद्धबली निकल जाता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, 6:30 बज चुके हैं और सारी तैयारी भी करनी है, अरेंजमेंट भी करने हैं, तो भाई आज बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो मौसम भी भाई अपना पूरा साथ दे रहा, हल्की हल्की सी छींट सी आई थी, वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर छींट आई थी, पर चलो देख लेंगे। अपने को मिला प्रसाद में गोला, एक छोटा सा पीस नारियल का, और इस टाइम हवा चल रही बहुत सेट वाली मंदिर में। चल लेते हैं घर की तरफ क्योंकि अब आगे भी काम करने हैं घर में, ठीक है। तो मौसम को छोड़ के यहीं और हम निकल लेते हैं। ये भाई हमारे पंडित जी आगे आगे चोटी पे हाथ फेरते हुए, ये बात। पंडित जी आपका महंगा वाला फोन कहाँ है? वो घर में है। क्यों उसे निकाल के क्यों नहीं ला रहे भाई? इससे भी आवश्यकता नहीं, अभी काम चल रहा है। महंगे वाले फोन से तो भाई ऐसे ही होता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं 26 लीटर की बाल्टी लेके, 20 लीटर की बाल्टी लेके। तू क्या करू पंडित जी। चलिए भाई, तो हम अब 20 लीटर की बाल्टी लेकर जा रहे हैं निरंकारी स्वीट्स के पास। जब हो जाए पंडित जी, दिमाग खराब मत करे, हमारे पंडित जी बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। तो भाई निरंकारी के यहाँ जा रहे हैं छाया लेने, मट्ठा छाछ, ठीक है। और क्योंकि भक्तजनों के लिए बननी है कड़ी, और कड़ी बननी है बहुत ही स्वादिष्ट। देख रहा तो चल ही रहा काम बढ़िया, सारे अपने काम में लगे हुए हैं, तो तू भी तो नहा ले। अबे मिर्ची मिर्ची है ना, पक्की गाड़ी होगी नहीं? हाँ चलिए भाई साहब, तैयारी जीत की, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अंदर चल रही है पूजा इस टाइम। और फिलहाल के लिए इस टेंट के ऊपर, मतलब टेंट के नीचे यहाँ लगा रहे हैं टेबल, जो थोड़े VIP अतिथि टाइप के से आएंगे वो खाएंगे यहाँ पे भोजन, ठीक है पंडित जी। हमारे पंडित जी एक जेलर वाले लत्ता पहन रखे हैं इसमें, जेलर वाले। और ये हमारे शर्मा जी पूरी भंडारे के सहयोग हमारे साथ करते हुए, और ये एक हमारे भोले बाबा जिन्हें बबलू कहते हैं, ये बबलू हैं, ये भी बहुत मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। इनका नाम, वैसे पूरा नाम इनका प्रेम कुमार सिदाना है। और ये हमारे यश शर्मा जी जो सेवा में, हमारे हर उत्सव में हमारे साथ सेवा में रहते हैं, राधे श्याम। और ये हमारे तिवारी जी, देखो जेलर वाली वर्दी है इनकी, पुलिस पुलिस कर्मी श्री 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 नीरज तिवारी जी। तो भाई कई तैयारी चल रही है पूरी जोरों शोरों से, और समय हो गया 10:10 और काम बहुत तेजी से चल रहा है हमारा। देखो सारा चटाई वटाई का प्रोग्राम है, सब हो चुका है कंप्लीट, और आपका जो फिलहाल का सीन ये है, बस भोजन बन ही चुका है, बस अब मिष्ठान बनना बाकी है, और मिष्ठान बनने के बाद भोग लगेगा, उसके बाद
जो भी भक्तजन है वो बैठेगा भंडारे के लिए। भोले आओ, भोले क्या हाल है, हेलो तो कर दे, बोले हेलो तो कर दे, ओ भोले हेलो कर दे, जय बा। पंडित जी चलो भाई तैयारी होगी पूरी, बस अब भोग वोग लगेगा, उसके बाद भंडारे का जो वितरण है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लेडीज जो आ गई कीर्तन मंडली वाले, तो वे भी अपने अब कीर्तन में लग रहे हैं, भजन संध्या होने लगी अब, और समय हो गया है 11:30, और थोड़ी देर बाद ही मतलब 1-1.5 घंटे बाद जो भोजन की व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी। बाकी खैर देखो आगे आगे क्या सीन बनता है, बाकी तो फिलहाल ये है कि सारे काम हमारे हो चुके हैं एकदम ओके फर्स्ट क्लास, सब चीज़ हमने कर दिया वेल सेटल्ड। चलिए भाई ले बहुत बढ़िया, चलिए भाई सारी तैयारी हो चुकी है, ये बन गए चावल और इसमें हलवा, इसमें कढ़ी और ये आलू की सब्जी, सब काम एकदम सेट। गाय फिर आ गई, बहुत ढीठ गाय है, बहुत ज्यादा भाई साहब बड़ा बुरा हाल हो रहा है, मतलब इतनी भीड़ होगी ना मंदिर में बहुत ज़्यादा, मतलब खैर भंडारा भी बड़ा ही है तो उस हिसाब से कार्यक्रम चलेगा। तो खैर फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, काम वाले सब लग रहे हैं, सब बाटा बूटी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। सो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है इस टाइम 6 बजने को तैयार है, और मैं निकल गया हूँ सिद्धबली मंदिर के लिए, सिद्धबली आरती के लिए, क्योंकि ट्यूसडे और साथ ही साथ आज गणेश विसर्जन भी था, तो सिद्धबली पुल के आसपास काफ़ी भीड़ भी थी। अब पता नहीं कि इस टाइम है कि नहीं है, बाकी तो फिलहाल का सीन ये है कि अब मैं जरा सिद्धबली आरती में निकल जाऊं, और जो भंडारा था हमारा वो काफ़ी शांतिपूर्वक हो गया, मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो गया। फिलहाल के लिए जो मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा घुट चुका है इस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब बारिश होने वाली होगी, मतलब बिल्कुल मौसम बादल वाला हो गया बिल्कुल, जिसे एक बार के लिए ऐसा हो जाए बिल्कुल एकदम टूट के बरसेगा, बहुत ही बुरा बरसेगा। बट खैर कोई बात नहीं, इस बात को साइड रखते हैं और भंडारे की बताते हैं, काफ़ी सही से निपट गया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से, कोई खाने की कमी नहीं रही भंडारे की, भोजन की। गाइस मौसम बनने लगा है, बारिश होने लगी है हल्की हल्की सी, ये बात अब मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और मतलब ठंडा तो हो ही जाएगा और मज़ा आएगा अब, है ना, क्योंकि काफ़ी दिन से गर्मी गर्मी पड़ रही थी, काफ़ी दिन से क्या 2 दिन से गर्मी पड़ रही थी, उससे पहले तो बारिश ही, खैर 3-4 दिन बारिश थी अलर्ट पे था, फिर 2 दिन धूप रही, और फिर थोड़ा सा जो मौसम विभाग वाले हैं उन्होंने फिर से थोड़ा सा अलर्ट टाइप का सा कर दिया है कि मौसम दोबारा से बन रहा है बारिश का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है कि जो गणेश चतुर्थी वाले थे वो देखो ये आ रहे हैं सारे यहाँ से, ये आ रहे हैं सब, ये देखो पूरे मौज मस्ती में बिल्कुल ही टेंशन फ्री लोग, ये अपनी जनता है, धर्म के लिए काफ़ी अग्रसर रहती है अपनी लाइफ में, जो है धर्म पहले होना चाहिए, बाकी तो काम सब चलते ही रहते हैं। ये देखिए मित्रों यहाँ लग रही है ट्रैक्टरों की लाइन, और आगे सारे तक मतलब मंदिर तक लाइन ही लाइन लग रही है, और वो देखो सामने वहाँ तक पूरे में लाइन ही लाइन है ट्रैक्टरों की, क्योंकि आज गणेश विसर्जन था ना तो उसके चक्कर में तो लोग चलते ही हैं, और देखो आगे गणपति भी जा रहे हैं वो सबसे आगे फ्रंट में, अब ऐसे तो दिख नहीं सकता, मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हें, है ना, बट यार करो कोई नहीं, वो सामने गणपति जा रहे हैं और यहाँ लाइन लग रही है पूरी, पता ना शायद आरती में भी टाइम मिले ना मिले पहुँचने का, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है, पुल पे भी काफ़ी भीड़ है, मैंने भी अभी लोगों के स्टेटस देखे ना, तो मतलब पुल पे बहुत भीड़ है बहुत ज़्यादा। सो मित्रगणों अब आरती से हम जा रहे हैं घर वापस, और आज का दिन काफ़ी थकान वाला रहा, और काफ़ी मतलब वर्कलोड वाला काम दिन रहा आज का तो पूरा। खैर फिलहाल का सीन ये है कि अब घर ही निकल रहे हैं और क्या, और बाकी का जो भी सिचुएशन होगी वो इस हिसाब से है कि बारिश जो है कि वो हल्की हल्की पड़ रही है, वरना पहले तो बीच में ऐसी आंधी आ गई थी, मतलब तो बहुत ही बुरी वाला जो बहुत बुरा वाला मौसम होता है वो हो गया था, आंधी आ रही थी धूल वाली बिल्कुल, एक तो होती खाली हवा वाली इसमें पानी है बारिश वाली हवा थी, एक आ रही थी बिल्कुल तूफान टाइप का था, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि बहुत ज़्यादा। तो खैर फिलहाल अब इस ठीक है मौसम, क्योंकि पूरे दिन भर तो गर्मी रही थी,
दो दिन से गर्मी इतनी पड़ रही थी कि उमस टाइप की सी हो गई थी, तो खैर अब फिलहाल ठीक है। और शायद ये हो भी सकता है कि आज पंखा जो है वो कम चलाने को मिले। ये साले ऑटो वाले कहीं भी खड़े करते हैं ऑटो है, एब्यूजिंग के लिए माफी चाहते हैं। ये देखिए भाई साहब, अब भी आंधी, मतलब हवा चल रही है तेज, अब भी मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आंधी वाला मौसम हो रहा है फिलहाल भी, क्योंकि देखो हवा चल रही है और पेड़ बिल्कुल ही, मतलब क्या कह रहे हैं उसे, ये लिप्टिस के पेड़, यूकेलिप्टिस के, वो भी अभी पूरे झूम रहे हैं पेड़, मतलब इतनी हवा चल रही है अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि ये हमारा देखो रूट जो है ये एक तरफ है, पहले बता रखा है कि लेफ्ट तरफ हो गया आपका उत्तराखंड और राइट तरफ हो गया आपका उत्तर प्रदेश, तो बीच में बॉर्डर वाली लाइन है। और ये देखो ये कौन सा जानवर खड़ा है यहाँ पे, ये देखो कौन सा जानवर है, कमेंट करके बता देना कौन सा जानवर है, ठीक है, कमेंट करके तो बता ही दोगे, तो बता देना, घर पहुंच जाते हैं फटाफट से। तो घर पहुंचते हैं और आज का व्लॉग बस इतना ही था। अब तक के व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट जो है आप कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, घर पहुंचते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने आप को भी रेस्ट देते हैं, पैरों को भी रेस्ट देते हैं, हाथों को भी रेस्ट देते हैं, फुल बॉडी को रेस्ट देते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।